कितने साहसपूर्ण यात्राओं को खत्म करके आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन उन यात्राओं को याद करके मुझे एहसास होता है कि आगे भी ऐसी यात्रा करनी चाहिए मुझे, और अब मैंने अपनी पांचवी यात्रा शुरू कर दी है। ये क्या, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई होगी? ऐसा क्यों है यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं दुष्ट शक्तियों ने हमें चारों तरफ से घेर तो नहीं लिया? अगर हम पानी में उतरे तो मुसीबत आ सकती है। हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मुझे भी यही लगता है। डर के वापस जाना हिम्मतवरों का काम नहीं है। चलो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। सोरा, आ गया बेटा। क्या हुआ है यहाँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, अंदर आओ सब लोग। चलो। कल रात पता है क्या हुआ था? सुल्तान मेरे लिए पिता समान है और राजकुमारी को मैं दिलो जान से चाहता हूँ। जादूगर हमारे देश में आया है, वो अपने कारनामों से राजा का दिल खुश करेगा। पेश करिए उन्हें। मैं बहुत मेहनत करके एक प्रयोग करने जा रहा हूं।
मैंने बहुत कुछ सीखा है इंद्रजाल महाजाल, वो सब आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ जहाँ अपना, और आपको खुश कर दूंगा जहाँ अपना। शुरू कीजिए। अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाकर जहाँ अपना और दरबार वालों को खुश करो, उन सबको देखकर जहाँ अपना और सबका मनोरंजन होना चाहिए। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसे देखकर कोई डरे नहीं। इधर आइए। आपने तो कमाल कर दिया। कैसे किया? जो आ गया जहां अपना। तुमने इतनी अच्छी जादूगरी कहां से सीखी हासन? बिना छुपाए हमें सब कुछ समझाओ। इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है जहां अपना, उसमें कोई शक्तियां नहीं है, सब मैंने अपने जादू से किया है। हर जादूगर की कुछ अपनी शक्तियां होती है, उसे राजी रहने दीजिए जहां अपना। राजी रहने दे? बड़ी अजीब बात कर रहे हो हसन। अपने इस जादूगरी कारनामों से तुमने हम सबका दिल बहुत बहलाया हसन। अपनी शक्तियां प्रजा की भलाई के लिए उपयोग करो। सुनो हसन, आज की रात हम तुम्हें सम्मानित करके तुम्हारे कारनामों के लिए इनाम देंगे। आपने मेरा सम्मान किया, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं। अब इससे भी ज्यादा जादुई शक्तियां दिखाने वाला हूँ मैं। उससे इस देश की राजकुमारी और इनकी शादी के लिए एक छोटा सा तोहफा पेश कर रहा हूँ, ये आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। करना है तुम मेरे बीच मत आओ। हाँ,
हमारे पास सोना चांदी जेवरात बहुत हैं, तो फिर इस सुरक्षा कवच के लिए मेहनत क्यों की? ये सुरक्षा कवच राजकुमारी के सपने में आया था। उसने कहा कहीं से भी हासिल करके दो। उसको ये शादी का तोहफा समझ कर दोगे? मैं तोहफा देने जा रहा हूँ, और ये कवच जहाँ रहेगा तो वो देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये अद्भुत चीज उनको क्यों देनी? अगर ये हमारे पास रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे ना, क्या कहते हो? देखो जरा। देखने का बहाना करके हथियाना चाहती हो? ये तो राजकुमारी का ही है। जैसा मैंने कहा था कि अपनी जादुई शक्तियां विस्तार पूर्वक आपको दिखाऊंगा, पेश करता हूं, और उसको देखने के बाद आपको और आपके लोगों को एहसास होगा कि आप एक विचित्र देश में पहुंच चुके हैं। बहुत खूब, दिखाइए हमें। राजकुमारी जी, देखिए राजकुमारी जी, ये है मेरा माया लोक। इसे देखने के बाद आपको अजीब सा महसूस हो रहा है ना? यहाँ पना आप भी देखिए मेरे इस माया लोक को। अद्भुत है। ये आपके लिए ही है, ये सब आप ही का है। वाह, ये सुंदर लोक वाकई कमाल का है। यहाँ के लोग तो मूर्तियों में बदल गए हैं। यहाँ पना आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हो। अरे दोस्त, तूने क्या कर दिया? अरे ओह, तेरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। देखो मेरा कमाल, अपड़ा कटबड़ा कमाल। राजकुमारी, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ उस दुष्ट ने क्या किया। जोरा, आखिर यहाँ हुआ क्या था? सिंदबाद, क्या तुम वो सुरक्षा कवच लाए हो? दिखाओ मुझे। जोरा, वो कवच देना मुझे। इसको कहीं भी इस्तेमाल किया तो काम होने के बाद एकाएक हो जाता है। काम पूरा हो जाए यही तो चाहते हैं हम लोग। महाराज और प्रजा सब वापस आ जाए यही तो चाहेंगे ना हम लोग। नमक हराम निकला। जहां पना, जोरा ने मुझे सब बताया, मुझे यहाँ होना चाहिए था। उस जादूगर ने अपनी जादू से राजकुमारी को उठा लिया। उस दुष्ट को सिर्फ राजकुमारी की आत्मा चाहिए। जवान राजकुमारियों को उठा ले जाकर उन्हें मंत्र जाल में फंसाकर उनके द्वारा अपनी उम्र को बढ़ाता रहता है। 12 साल में एक बार जवान कन्याओं के साथ वो अमावस के रात को जादू टोना करके शक्तियां ग्रहण करता है। वो इससे पहले भी बड़ी राजकुमारियों को ले गया था, पता नहीं क्या हुआ उनका। वो दुष्ट जादूगर कहाँ है, आपको पता है? मैक्सोनिया नामक रेगिस्तान में उसका एक द्वीप है, सुना है। तुम्हें किसी भी हालत में वहाँ पहुंचकर जीत हासिल करनी है। राजकुमारी को किसी तरह बचाना होगा और उस दुष्ट जादूगर का खात्मा भी करना होगा। इसलिए उस प्रदेश में पहुँचने के लिए हमने 40 दिन की ये यात्रा शुरू की। कितना ही भुलाने की कोशिश करो, लेकिन राजकुमारी की यादें मुझे सता रही है। राजकुमारी,
सिंदबाद हमारे निकलने का समय हो गया है। अच्छा, राजकुमारी कितनी खूबसूरत लग रही है ना? वो हमारी राजकुमारी है, उसे प्रेम करने की तुम हिम्मत भी मत करना। महाराज को अगर ये बात पता चल गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। वो देखो, वो यहाँ भी पहुँच गया है। हर रोज इसी वक्त यहाँ पर आकर हमें सताता रहता है। तुम होशियार रहना, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सैनिकों, मुझे नीचे उतारो। तुम फिक्र मत करो, ये सैनिक हमारी रक्षा करने के काबिल हैं। ये सैनिक वीर हो सकते हैं, मगर मर्द है। लेकिन उसके चुंगल से सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ राजकुमारी। हाँ। उधर मत देखो, मुझे देखो। याद रखो कि तुम इस देश की राजकुमारी हो। मेरी बात मानो और राजकुमारी से प्रेम करने का सपना भूल जाओ। सिंबाद, सिंबाद। कौन मुझे पुकार रहा है? मैं तुम्हारी खुशकिस्मत हूँ। इस यात्रा के दौरान तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अपने दिमाग से उन सब पर तुम काबू कर पाओगे। चाहे मुसीबतें कितनी ही आए, मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ। नाव में यात्रा कर रहे थे, वो आंधी तूफान में फंसकर एक जगह रुक गई। सकता है, अद्भुत है। अरे बेवकूफों से क्यों तोड़ रहे हो? कैप्टन, हम लोग भूखे हैं। इस मामले में बिल्कुल दखल मत देना। चलो तोड़ो इसको। उसे तोड़कर खाने की इजाजत नहीं दूंगा। चलो चलो, भागो भागो। अब्दुल, गौर से सुनो, तुम हिलना मत। वो अपने अंडे को बचाना चाहती है, तुम्हें कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल मत डरो, हिलो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डरो मत।
मेरी बात सुनो। उसे मुकाम पर लेके आओ। चलो जोरा ने मुझे बताया था ये द्वीप बड़ा अजीब है। उसका कहना सही था। अब से हम सबको बहुत ही होशियार रहना होगा। उस पक्षी को मारने के लिए तुमने क्यों रोका हमें? तुम उस पक्षी से क्यों उलझे? अगर हमने नहीं रुका होता तो अब्दुल को मार देता। अब्दुल मरा तो नहीं ना? अगर ये मर जाता तो हमें और जंतुओं में क्या फर्क? हम लोग इंसान हैं। सही कहा कैप्टन। अब सब लोग आराम करो, सुबह जल्दी निकलना होगा। राजकुमारी तुम कहां हो, किस हाल में हो? क्यों राजकुमारी, सिंधबाद के खालों में डूबी हुई हो? राजकुमारी। कमीने, सिंधबाद मुझे बचाने जरूर आएगा, ऐसा भरोसा है मुझे। चिल्लाओ मत। वो जिस नाव में आने वाला था वो नाव समंदर में डूब गई है। मेरे किले में आकर वो तुम्हें बचाने की सोच रहा था, मगर वो यहाँ आया तो मारा जाएगा। उसको क्यों मारना चाहते हो तुम? अगर उसे मारना होता तो कब का मार दिया होता। उसे यहाँ बुलवा के तुम्हारी आंखों के सामने मारना चाहता हूँ। उसे खत्म करना मेरा मकसद है। मेरे हाथों ही मारा जाएगा। नहीं नहीं, उनको कुछ मत करना। कैप्टन, क्या है? वाकई ऊपर वाला है, प्याज बुझाने के लिए कुछ मिल गया। वो पानी नहीं शायद, लगता है मुझे। रेगिस्तान में कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, प्यास कैसे बुझेगी हमारी? ये एक द्वीप है, कहीं ना कहीं तो हमें पानी मिलेगा। रेगिस्तान में एक ऐसा द्वीप है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पानी हमें कहाँ मिलेगा? बोलो सिंधबाद किस तरफ जाए जो पानी मिलेगा, बताओ हमें, बताओ। बोलो, 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 चिल्लाते रहोगे तो जल्दी तुम्हारा गला सूख जाएगा। मैंने कहा ना, ये एक द्वीप है, पानी जरूर मिलेगा हमें यहाँ। तो ठीक है, मैं शहर से अपनी प्यास बुझाता हूँ, आओ दोस्तों। नहीं जमाल, जमाल ये शहद नहीं, जहर भी हो सकता है। चाहे कुछ भी हो सिंधबाद, मैं अपनी प्यास जरूर बुझाऊंगा। कोई भी नहीं हिलेगा, जहां खड़े हो वहीं रहो। उधर मत जाओ, रुको। रुको।
पता नहीं कितने लोगों की मेहनत से बना होगा, कितने साल लगे होंगे बनाने के लिए, सब नष्ट हो गया। सही कह रही हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। देखो राजकुमारी, मैं समुंदर में अपना कमाल दिखा सकता हूँ, लेकिन एक राजकुमारी के मन को समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमको समझ पाना इतना मुश्किल नहीं लग रहा, आम औरत हो या राजकुमारी, लेकिन मर्द के लिए तो वो हमेशा बनी है, ये समझ लो तुम। अपने प्यार से उसे अपने दिल में बसाओगे, बस यही काफी होगा। जितनी खूबसूरत हो उतनी ही प्यारी बातें कर रही हो तुम। तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, इस प्यारे से माहौल में तुम्हारा चेहरा और भी खिल रहा है। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी ना? बोलो राजकुमारी, तुम्हें मैं पसंद हो ना? तुम एक बार हाँ कह के देखो, यहां तक हाजिर है तुम्हारे लिए। मेरा नाम सिंधबाद है। तुम इन्हें अच्छे से पहचानती हो, तुम यहाँ क्यों आए हो मैं ये भी जानती हूँ। अंदर चले, आ जाओ। अरे बहुत अच्छा नजारा है, कितना अच्छा। फिरोजा, सब लोग यहीं पर हो? अच्छा ये बताओ कैसे हो तुम लोग? कैप्टन, वैसे अब तक तुम कहाँ थे? जब एक जानवर के जंगल में फंसा हुआ था तो दूसरे जानवर ने मुझे बचा लिया, और यहाँ देखा तो तुम लोग खुशी मना रहे हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारी बहुत इज्जत कर रहे हैं यहाँ पर। तुम आ गए हो तो सब अच्छा लगेगा। हाँ, खुशी के लिए, खुशी के लिए। सिंधबाद को ले आए महाराज, तुम हमारी बेटी से छुप छुप के मिलती हो, ऐसी खबर आई है, ये बात सही है? जहां पनाह, आपने सही फरमाया, मैं दिलो जान से चाहता हूं इन्हें। अगर आप हां करें तो शादी करना चाहूंगा। मैं इनको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं जहां पनाह, बस आपकी इजाजत चाहिए मुझे। सिंधबाद, तुम्हारे बारे में हम पूरी तरह जानते हैं, हमारी बेटी ने भी सब बताया। तुम्हारे प्यार को मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा। तुम देश देश दर दर भटकते हो, तुम्हारा अपना क्या है? तुम एक मामूली इंसान हो, राजकुमारी से शादी करने के लिए तुम्हारे पास है क्या? इतना ऊंचा भी उड़ने की कोशिश मत करो। पिताश्री, मुझे बाहर वालों की परवाह नहीं, अगर आप मेरी शादी इनसे कर देंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी ये सोचिए आप। वाह, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो राजकुमारी। इस गरीब से शादी करके तुम क्या सुख पाओगे? इस वक्त जवान हो, सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में पछताना पड़ेगा, गरीबी में दर दर भटकना पड़ेगा। मैं तुम्हें इससे शादी करने की इजाजत नहीं देता। आप चाहे कुछ भी कहें, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। सिद्धार्थ, मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें इतना दूंगा, सोने चांदी जेवरातों से भर दूंगा, 5 जहाजों से भरा जितनी दौलत दूंगा। अगर ये काफी नहीं है तो कह देना, मैं तुम्हें जो चाहे दूंगा, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी की शक्ल भी नहीं देखना। आप चाहे कोई भी हुक्म दे, लेकिन मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है राजकुमारी के लिए। देखो सिंधबाद, मैं एक समझदार महाराज हूँ, आमतौर पर मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैंने तुम्हें एक अच्छा मौका दिया, तुम उसे ठुकरा रहे हो।
अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो अगले ही क्षण तुम्हारा सर धर से अलग हो जाएगा, ये समझ लो। अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है, जिंदगी चाहिए या मौत को गले लगाओगे तुम, सोच लो। जवाब सोच समझ के देना। पिताजी, आप ऐसी बातें करेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बेटी की खुशी के लिए क्या आप इतना भी त्याग नहीं कर सकते? आप बोलिए पिताश्री। क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। ये तुम्हें प्यार के जाल में फंसा कर तुम्हें धोखा दे रहा है। ये तुम्हारे साथ साथ पूरे साम्राज्य को हत्याना चाहता है। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार के साथ पाला है, तुम्हें जिंदगी में हर खुशी देना चाहता हूँ मेरी बेटी। मैं तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े राजकुमार के साथ करने के सपने देख रहा हूं, वो भी बड़े धूमधाम से। इसलिए मेरा सोचना बिल्कुल गलत नहीं है, समझो से बात। क्या सोच रहे हो सिंदबाद? कुछ नहीं, आकाश कितना शांत है देखो। मुझ में कोई कमी है सिंदबाद? क्या ऐसा किसी शास्त्रों में लिखा है कि कोई वीर आकर यहाँ की शक्तियों को बर्बाद कर देगा क्या? लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं किसी से नहीं डरती। तुम है तो अपना साहस मुझ पे आजमा के देखो तो। सिंदबाद, सिंदबाद। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अब मुझे तुम अपना बना लो सिंदबाद। फिरोजा, सिंदबाद, तुम जिंदा हो? अब मेरा बचना मुश्किल है। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, चलो मेरे साथ, तो नहीं मरोगी? नहीं सिंदबाद, सूर्य उदय होते ही मैं मर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से निकलकर राजकुमारी को बचाओ। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी बस? नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी। मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकता। मायावी हो, मुझे मार डालोगे? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं क्या चीज हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरे जाल से कभी बचकर नहीं जा सकते। दिखाता हूँ, तुम्हें जब तुम अपनी माँ की कोख में थी तभी बलि देना चाहता था, समझी तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो राजकुमारी? मैं क्या करना चाहता हूँ मैं किसी को भी नहीं बताता, समझे? मैं काल हूँ, जो मुझे जीतना चाहता है उसे मैं अपने अधीन में कर लेता हूँ। वो शक्ति हूं मैं, मगर पंचभूतों को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारी बलि चढ़ाने वाला हूं। उसके बाद सारी शक्तियां मेरे काबू में आ जाएंगी।
सिंधबाद तुम्हारी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देगा। तुम्हें उस पर इतना भरोसा है क्या? है, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। प्रेम किया होगा, लेकिन तेरा भविष्य तुझे ही नहीं मालूम। कुछ भी करो, तुम मुझे ही अपना बना लोगी राजकुमारी। सिंधबाद, फिरोज़, तुम जिंदा हो? उल्टे सीधे सवाल मत करो, रास्ते से हटो। तुम कौन हो, मैं जान सकता हूँ क्या? मैं कौन हूँ तुम्हें क्यों बताओ? मैं बेफजूल बातें मत करो, हटो। एक ना एक दिन तुम्हें भी इस रास्ते से गुजरना होगा। चलो हटो बीच में से। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, इन्हें स्वर्ग ले जाने के बजाय नर्क में क्यों लेकर जा रहे हो तुम? मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम गलती कर रहे हो। मैं जान के ही रहूंगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैं गलती कर रहा हूँ, ये पूछने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जो जैसे गर्म करता है वही स्वर्ग नर्क है। चलो जल्दी। रुको, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। क्यों? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुरंत तुम भी मेरे वश में हो जाओगे, तुम्हें भी इसी तरह चलाऊंगा। हाथ की लकीरों को कोई नहीं बदल सकता, तुम कुदरत की देन हो। इस तरह इन आत्माओं की रक्षा कर रहे हो तुम, आखिर ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सच है। यहाँ तो सभी को जीना मरना पड़ता है, यही विधि का विधान है। मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। अच्छाई बुराई जिंदगी का एक अंग है। किसी के प्राण लेने हो तो कितना दुख होता है जानते हो? ये सब मैं सहते हुए कर रहा हूँ। वैसे भी इनके बारे में इतना क्यों अफसोस कर रहे हो? चलो हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। इन लोगों का ये हाल करने वाले उस जादूगर को मैं खत्म कर देता हूँ, और इसके बदले में तुम इन सबको आजाद कर दोगे। बोलो, करोगे ना? अगर तुम उसे नहीं मार पाए तो? अगर मैं उसे मार नहीं पाया तो तुम्हारा काम मैं करूंगा, तब तुम्हें इससे पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। तुम जरूर हार जाओगे और मुझे विमुक्ति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस तरह का काम
बहुत वर्षों से करता आ रहा हूँ, इसलिए सब कुछ समझता हूँ। मेरे ख्याल से तुम ये शर्त ना लगाओ तो अच्छा होगा। वो बहुत खतरनाक है, उसने कईयों को मार के अपनी शक्तियां बढ़ाई है। तुम सोच समझ के सही निर्णय लो। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मेरे आका, तुम्हारी मदद करने आया हूं। हिम्मत करके जीत हासिल करो। आप क्या बोल रहे हो, मेरी समझ से बाहर है। वो जादूगर तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएगा। बस के जाल में ना फंसते हुए अपनी जीत हासिल करो। ये शक्तियां तुम्हें मिलके तुमको शक्ति प्रदान करेंगी। क्या कहा, मुझमें मिल जाएंगी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। कहते हैं अद्भुत दीपक तीन इच्छाएं पूरी करता है, क्या मैं मांगू? तुमने जो सुना सही है। मुझे 500 साल पहले इस अद्भुत दीप में भेजकर इस प्रकार से इस गुफा में बंद करके रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम उसको मौत के घाट उतार के ही दम लो। उसकी मौत से ही हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। मेरी आत्मा को भी उस जादूगर ने वश में करके अपनी इच्छाओं को पूरा करके उसने और मुझे इस तरह फंसा के खुद बाहर निकल गया। इसीलिए हम राह देख रहे हैं कि कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। मेरे बाद भी तुमको कोई यहां से बचा के लेके जाएगा, मेरी ऐसी इच्छा है। उस पर ही हमारी कुछ शर्तें लागू होती हैं। वो शर्तें क्या है कि इच्छाओं की मांग करने वाला कोई भी अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। तो अब तुम तीन इच्छाओं की मांग कर सकते हो सिंबाद। कहते हैं जो ये मांग करता है दूसरे दिन का सूरज नहीं देखता। मैं नहीं मानूंगा। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुमने उस दीपक को छूकर हमको विमुक्ति दिलाई है। वैसे आदमी की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज बनता है। सूर्योदय की इच्छा मत करो। तुम बहुत सोच समझ के पूर्ण होने वाली इच्छा बताओ हमें। आप मुझे सोच समझ कर जवाब दे देना। अपनी जान की सुरक्षा मांगू तो मुझे लगता है कि शायद आप उसे पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक कहा तुमने। अपने को बचाने के सिवा तुम कोई और इच्छा जाहिर कर सकते हो? हमने जो वचन जादूगर को दिया है हमें उसी पर चलना होगा। तो बताओ तुम्हारी पहली मांग क्या है सिंबाद? मेरी पहली मांग यह है कि इस मुसीबत से मैं जल्द से जल्द बाहर निकल जाऊं। हमने अपने परिस्थितियों को तुम्हें विस्तार में बताया है ना सिंबाद? तुम अपने आप को बचाने की इच्छा बिल्कुल जाहिर नहीं कर सकती। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, एक इच्छा बेकार की तुमने। अब सिर्फ दो ही मांगे बची है तुम्हारे पास सिंबाद। और मेरी दूसरी मांग यह है, मुझे तुरंत राजकुमारी से मिलना है। बड़ी अच्छी इच्छा जाहिर की तुमने सिंबाद, हम जरूर उसे पूरा करेंगे। देखो हम तुम्हारी वो इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। बताओ इस वक्त कहाँ है? वो इस वक्त बगल वाले कमरे में बंद है और हम तुम्हें उस द्वार तक ही पहुंचा सकते हैं सिंबाद। हमारी शक्तियां वहीं तक ही सीमित हैं। हमारी पूरी शक्तियां गुफा तक ही सीमित हैं। उसके आगे जादूगर का राज चलता है। बताता हूँ, मेरी आखिरी और तीसरी मांग ये है कि बताओ मुझे इस मुसीबत से तुरंत बाहर निकालो। एक वीर बन के अपनी इच्छा को पूरी करो। एक मिनट, सब लोग रुक जाओ जरा, सब कुछ उल्टा उल्टा हो गया है। एक मिनट रुक जाओ सिंबाद, एक मिनट, मैं बस देख के बताता हूँ।
500 साल पुरानी इच्छा, उसमें से एक बढ़ाया और एक घटाया तो पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। इसमें तो दिखा रहे कि उसकी इच्छा पूरी करनी है। बस मुझे एक और बार देखे तो मैं जरा ठीक से देखा। 500 साल में इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने तो कहा था कि अपने को बचाने की मांग को पूरा नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि नहीं? हाँ कहा तो था। जब तुम मांग को पूरी नहीं कर सकते तो डरते क्यों हो? मुझे पहले यहाँ से उठाकर उस जादूगर के पास ले चलो। बिल्कुल सही कह रहे हो, बड़ी समझदारी से हम लोगों को फंसा लिया। आपने बिल्कुल सही फरमाया, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और आपकी इच्छा पूर्ण होगी और ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा रहेगा सिंधबाद। आपको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे जाने का वक्त आ गया है। आपने जो उपकार किए हैं हम पर, उसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। ले लो, आपको मुसीबतों से यही बचाएगा, इसे अपने पास रख लो, बहुत काम की चीज है। इसके इस्तेमाल जादूगर बहुत ही चालाक और समझदार है। कितनी ही राजकुमारियों को बलि देकर अपनी उम्र बढ़ाई है। उसके चुंगल से तुम्हें उन सबको बचाना होगा।
जाओ सिंधबाद। मेरी इजाजत के बिना मेरे इलाके में आने की बहुत बड़ी हिम्मत की, कमाल हो। मेरी राजकुमारी है कहाँ? जल्दबाजी नहीं जिंदाबाद, पीछे मुड़कर एक बार देखो। तुम मुझसे टकराओगे तो वो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगा। सिंधबाद तुम ही हो ना, कोई मायावी तो नहीं है ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा के लेके जाऊंगा। इसे छोड़ दो। मुझे तो हो तेरी ये हिम्मत। तुझे तो मेरी जान चाहिए थी ना? तेरी जान नहीं चाहिए मुझे, पूछ रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। बहुत सालों पहले अद्भुत शक्ति की मांग की थी मैंने, वो भी उन देवी देवताओं से, लेकिन उन्होंने मुझे शक्तियां प्रदान ना करके मुझे यहीं तक सीमित रखा। लेकिन मैंने अपने दिमाग से यहाँ पर आकर अपनी शक्तियों को बढ़ाया है, ये तू समझ ले। कुछ ही क्षणों में यहाँ भयंकर आंधी चलने वाली है और उससे यहाँ की हालत उथल पुथल हो जाएगी, और तेरी राजकुमारी को भी मार के दोनों की आत्माओं को मिला लूंगा, जिससे मेरा लक्ष्य पूरा होगा और मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा, अति शक्तिशाली। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ तक बुलवाया है, अब तो तुम समझ गए होगे। इसका मतलब राजकुमारी को आड़े रखकर तुमने मुझे अपने पास बुलवाया? अपनी जान को बचाने के लिए अपने साथियों को भी खो दिया मैंने? क्यों, फिरोजा मेरी बहन थी, उसे भी मार डाला तूने, किस लिए? देखो अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला, उन सब को मार कर मैंने धरती पर से कुछ लोगों का बोझ कम कर दिया, अब मुझे महाशक्तिशाली बनाओ। मैं पहले तुझे मार कर इस खेल को ही खत्म कर दूंगा। जबान बंद रखो, अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना इस भयानक जानवर को तुम पर छोड़ दूंगा और तुम दोनों को यहीं पर खा जाएगा। मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूं। नहीं, तुम अपने आप को इसके हवाले क्यों कर रहे हो? अब ज्यादा कुछ और मत सोचना, अपने फैसले पे कायम रहना, और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मेरे अधीन रहकर मेरी सेवा करेगी। लेकिन इसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, राजकुमारी को तुरंत छोड़ना होगा। दूसरी, सुल्तान के राज की ओर नहीं आओगे तुम, उसके बाद तुम जैसा चाहोगे ठीक वैसा ही करूंगा मैं, हमेशा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। तुम्हारी बात मानता हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं उसके। इस हार को अपने गले में पहन लो, जल्दी 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 उस तक पहुंचो। सोच रहे हो? अपनी फरियाद करो मुझसे। तुम्हें 5 जहाज भर के दौलत दे रहा हूं, इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सोच समझ के जवाब देना, फैसला तुम्हारा है। म-
मेरे फैसले से आपकी बेटी की जिंदगी बन जाएगी। मुझे शक्तियाँ प्रदान करो। आप मुझे मार डालोगे ये मुझे मालूम है। मैं उसकी यादों की अपनी जान दे दूंगा। मुझे कोई भी मार नहीं सकता। डालो जिंदाबाद। एक और बात मैं तुम्हें बताता हूँ, उसकी बहन भी यहीं पर है और उसकी भी बलि चढ़ाऊंगा। अधर्म के ऊपर धर्म की हमेशा जीत होती आई है। दुष्ट शक्तियों का नाश करके इस देश की रक्षा की है। प्रेम से बढ़कर इस भूमि पर कुछ भी नहीं है, ये सिंधबाद ने साबित कर दिया। Ah! 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 Ah!
हूँ।